रही है संभल से। बता दें आपको कि एसपी सांसा शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में निधन हुआ शफीकुर रहमान बर्क का। इस वक्त की बड़ी जानकारी संभल से, जहां पर एसपी सांसा शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते थे। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा और बड़े नेता एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिनका निधन हुआ। अवैस अली हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अवैस, एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है, कैसे? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी से संबल लोकसभा सीट से सांसद थे और सपा सांसद थे, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 94 साल की इनकी उम्र थी, लेकिन ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल के अंदर में भर्ती थे। हालांकि इससे पहले भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की जब बीच में वो तबीयत खराब होना शुरू हुई थी तो उनको दिल्ली हॉस्पिटल के साथ साथ में गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था। वहां पर उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा बदलाव आया था और साथ ही साथ में जब उनके स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया था तो उनको मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि लंबे समय से डॉक्टर शफीकुर रहमान पर जो सांसद समाजवादी पार्टी के थे वो सिद्ध हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थे और समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा डॉक्टर शफीकुर रहमान पर थे। हालांकि अभी लगभग 10 मिनट पहले उनका इंतकाल हुआ है और जब उनका देहांत हुआ तो उसके बाद तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनके चाहने वाले थे तो उनके में एक गंभीर माहौल पैदा हो गया है। साथ ही साथ में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को देखने के लिए लोग ज्यादातर अब सिद्ध हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का 94 साल की उम्र में इंतकाल होना, साथ ही साथ में संभल की अगर बात की जाए और क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक और वहां पर उनकी जो दावेदारी थी वो काफी मजबूत मानी जा रही थी। अभी हाल फिलहाल दिनों में उनके हालचाल जानने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, उन्होंने उनसे हालचाल भी जाना था। और ऐसा सूत्र बताते हैं कि जब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की अखिलेश यादव से अभी बातचीत हुई थी तो सिर्फ उन्होंने ये कहा था अखिलेश यादव को, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से तैयार थे उसको लड़ने के लिए भी, तो अखिलेश यादव से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, ज्यादा तबियत बिगड़ने की वजह से उनका इंतकाल हो गया है। हालांकि उनको सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और तरह तरह की बीमारियों से वो अब जूझते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो उम्र थी वो लगभग 94 वर्ष की हो चुकी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाएगी संभल सीट को जोड़ के अगर देखा जाएगा, क्योंकि एक गंभीर माहौल है तो इस आने वाला समय बताएगा कि लोकसभा चुनाव पर कितना बड़ा अब असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का